अबे क्या करी, बीमार हो जाएगी, रुक मैं अभी मम्मी को बचा के लाता हूँ। नहीं ऐसे कौन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। आज तो मेरा भी एकदम रिलैक्स वाला डे जा रहा है। कारण यह है कि कल मेरा आखिरी पेपर था और आज उसका अगला दिन है। तो मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी कि आप मेरे को बताना अगर आपको लगता है तो जो लास्ट पेपर का अगला दिन होता है ना, जिस दिन लास्ट पेपर हो जाता है उसके अगले दिन एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग आती है, और अगर आपको आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो भले फ्रेंड्स मेरे पेपर खत्म हो गए, पर मैं एक चीज़ की पढ़ाई जरूर करता हूँ, वो है ये फिजिकल एजुकेशन। और मेरे को लगता है ये हर स्पोर्ट्स पर्सन को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे जो नॉलेज हर स्पोर्ट्स पर्सन को होनी चाहिए ना, वो सब नॉलेज आपको फिजिकल एजुकेशन में मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और इसको पढ़ते हुए काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि हमारे को हमारे रिलेटेड की चीज़ें ही हमारे को प्रोवाइड की जा रही है, हमारे को हमारे रिलेटेड नॉलेज ही हमारे को मिल रही है। तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी बेनिफिशियल है। और अभी मैं इसमें चैप्टर पढ़ रहा हूँ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है उसमें, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग स्पीड इन सब के बारे में अच्छे से समझा रखा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो बच्चे आज से होली खेलना शुरू हो गए, फिर बोलता हमारी तबीयत खराब होगी, होली कल है फिर भी आज से स्टार्ट कर दी। ओए फोन में आ जाएगा पानी, क्या कर रहे होली पानी इस लगाओ किसकी ज्यादा दूर तक जाती है, रेस लगाओ, रेस रेस लगाओ किसकी ज्यादा दूर तक जाती है। चलो थ्री, रुक जाओ मैं बोलूंगा, 3 2 1 गो। ये हाली गई ज्यादा दूर तक, वो बड़ी भी था। ओए बस बहुत हो गया, फोन में पानी आ रहा, चलो। तो फ्रेंड्स बच्चों ने तो अभी अपना अभी से होली खेलना स्टार्ट कर दिया आज से ही, चलो कोई नहीं एंजॉय कर रहे हैं अपना, सही है। क्या कर रही है मम्मी को बताओ, अभी मम्मी को बताओ क्या कर रहे तुम हैं, सॉरी रुक मैं अभी मम्मी, अबे क्या कर रही है, बीमार हो जाएगी, रुक मैं अभी मम्मी को बता के लाता हूँ। नहीं ऐसे कौन मुंह धोता है, सुबह नहा धो रखी है फिर भी मुंह धो रही, रुक जा अभी मम्मी को बता के आता हूँ। नहीं रुक जा माँ, आपकी बिटिया एक दूसरे को भिगा रही, अपने मुंह में पानी डाल रही पिचकारी से, नहीं एक दूसरे को गीला कर रहे हैं। अब मत आने, अब पानी मत ले जाना। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ, मम्मी ने मना करा इनको पानी ले जाने के लिए दोबारा से, बहन मम्मी ने मना कर दिया पानी ले जाने के लिए, दोबारा ले गए तो मम्मी बोली आज बहुत मारेंगी, सही बता रहा मैं, बहुत बिगड़ गए भयंकर तुम लोग। हाँ नहीं तो व्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रही यार भयंकर। तो फ्रेंड्स मैं इतनी देर से डांट रहा था तब मेरी बात नहीं मानी, पर जैसी मम्मी ने डांटा तो एकदम से सब छोड़ के चले गए, मतलब मेरा तो मतलब मजाक बना रखा भाई मेरा। कोई नहीं छोटे बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं पढ़ रहा था फिजिकल एजुकेशन, और उसमें मेरा टॉपिक था कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, और इसको पढ़ने का मेरे को पहले से पता था, बट इसको पढ़ने में और ज़्यादा पता चल गया कि एक एथलीट की लाइफ में कोऑर्डिनेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिर्फ एथलीट की लाइफ में नहीं, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे यूनिवर्स में कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तालमेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो इसके बिना कुछ है ही नहीं कोऑर्डिनेशन के बिना। तो फिलहाल आज मम्मी को बहुत सारा काम है, तो मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, तो देखता हूँ मैं कैसी बना पाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं खिचड़ी रख कर आया हूँ और बनने में टाइम लगेगा, तो तब तक मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो चीज़ हम कंसिस्टेंस नहीं करते, कंसिस्टेंट वे में नहीं करते ना, तो उस चीज़ को जब हम करने जाते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। वो कैसे कि मैं कुकिंग डेली नहीं करता हूं, तो कभी कभी करता हूं। तो क्या है कि मैं अभी कुकिंग कर रहा था, तो खिचड़ी बना रहा था, तो मेरे को मम्मी से पूछ पूछ के डालना पड़ता था, डालना पड़ रहा था मिर्च नमक ये सब पूछना पड़ रहा था। बट आप अपनी मम्मियों को देखना, वो डेली कुकिंग करती हैं, तो आप एक चीज़ नोट करना कि वो ना आँख बंद करके भी उतना ही नमक उठाएंगे जितना आपको डेली खाने में चाहिए होगा। तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी में सेव हो चुका है, वो उसके यूज़ टू हो चुके हैं कि इतना नमक ही चाहिए, तो उनकी ब्रेन मेमोरी और मसल मेमोरी में ये चीज़ बैठ चुकी है कि इतनी अमाउंट में ही चाहिए। तो ये होता है कंसिस्टेंसी की पावर, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता, और ब्रेन मेमोरी और मसल मेमोरी दोनों ही कंसिस्टेंसी से इम्प्रूव होते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने आज सीखी है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो ठीक है अभी देखते हैं जरा खिचड़ी का क्या सीन है, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स मौसम तो एकदम क्लाउडी हो चुका है मेरे पीछे, देखिए सारा। और आज हमारे चैलेंज का डे 10 और डे 9 की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं ग्राउंड गया था जगलिंग करने, मतलब ट्रेनिंग करने गया था, तो मैंने वहीं पे अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया था, तो वो भी आपसे आज शेयर करूंगा। उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, एकदम ऐसा लग रहा था नेचर के बीच में जगलिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिलहाल अभी खाने का टाइम हो गया, जगलिंग तो हम शाम को करेंगे, तो मिलते हैं आपको लंच के बाद। तो आज खाने में रायता, मेरी बनाई हुई खिचड़ी और केला। खिचड़ी तो मैंने खा लिया है और मतलब मेरे को तो सही लगी, बट एक बार मैं अपनी बहन से और उसकी दोस्त ने भी खाई है, उससे भी मैं रिएक्शन ले लूँगा, मतलब उन दोनों से रिएक्शन लूँगा कि उन्हें कैसी लगी। तो चलो एक बार पूछ के देखते हैं। चल भैया हम ये बजाएंगे तो मतलब अच्छी बनी होगी, नहीं बजाएंगे? नॉर्मल बतानी है कि आप तुमको मतलब कैसी लगी खिचड़ी, जल्दी बताओ। अच्छी लगी, स्वादिष्ट। ऑनेस्टली बताना। बहुत अच्छी लगी। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी बहन को और उसकी दोस्त को खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैं कुकिंग कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, और मतलब अच्छी बात है। मुझे मैगी बनानी भी आती है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी बना लेगा। तो मतलब बनाने में कौन सी बड़ी बात है? तो गजब बेइज्जती थी यार। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अभी मौसम थोड़ा क्लाउडी सा और रखा है, तो मेरे को ये डर है कि बारिश ना हो जाए, तो चैलेंज फिर मेरे को नीचे करना पड़ेगा। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है चैलेंज मतलब नीचे करने में, बट क्या है कि नीचे अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती शाम के टाइम पे, क्योंकि उजाला तो रहता, मतलब लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। तो फिलहाल अभी देखते हैं, चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जगनिंग तो थोड़ी देर में करेंगे शुरू, अभी तो खाना खा रखा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मौसम तो काफ़ी बढ़िया सा हो रहा है, बारिश नहीं हुई बट क्लाउडी मौसम है एकदम बढ़िया सा। और मैं आ चुका हूँ जगलिंग चैलेंज के लिए, और मैं आज बड़ी बॉल से जगल करूँगा, छोटी बॉल से जगलिंग करने का मेरा मन नहीं हो रहा। तो चलिए चलते हैं अपना चैलेंज कंप्लीट करने। तो फ्रेंड्स अगर आज की जगलिंग की बात करें तो आज की जगलिंग बहुत ज़्यादा मस्त हुई है, और मतलब आज मैंने फ्री स्टाइल ज़्यादा कर ली और मज़ा आया एकदम अराउंड वर्ल्ड वगैरह मारने में, और पसीना बहुत आ चुका है देखिए, तो मतलब मज़ा आ गया आज की जगलिंग में। और दो बार बॉल गिरी थी, और यार इतनी तो बॉल गिरती है, इतना तो नॉर्मल है, बट ये चीज़ मैटर नहीं करती कि बॉल कितनी बार गिरी है, मैटर करती है कि हमारी जगलिंग की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है। तो मेरी जगलिंग की क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही है, टचेज़ वगैरह कॉन्फिडेंस सब मतलब इंप्रूव हो ही रहा है। तो बढ़िया रहा आज का चैलेंज। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको अपनी ग्राउंड की जगलिंग की क्लिप दिखाई, तो मतलब जगलिंग तो मेरी कल भी बहुत ज़्यादा मस्त हुई थी, और इतना मज़ा आया था, और ग्राउंड वाला इन्वायरमेंट था तो मतलब मज़े आ गया था। और वही नॉर्मल एक बार बॉल गिरी थी एक दो बार, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, डे बाई डे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतने, अगर आपने ब्लॉग को इन्जॉय करा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।